हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक हैं भाई? दोस्तों शाम का वक्त हो गया है और मैं अभी भी हरिद्वार में ही हूँ। वक्त हो गया है जी करीब 9:30 बजे का, और जो गंगा माँ की जो आरती है वो हो चुकी है। यहाँ पे इस एरिया में आरती होती है, वो करीब जैसे सूर्य अस्त होता है उस टाइम पे होती है। उस टाइम पे मैं थोड़ा कहीं दूसरी जगह पे व्यस्त था, मैं आ नहीं पाया, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। मेरी इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊं गंगा आरती की, लेकिन नहीं बन पाई किसी कारण से। अभी ये रात का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं रात का व्यू कितना शानदार है। और अभी भी उतनी ही लगभग भीड़ है जितनी दिन के समय थी। ये आप देखिए बहुत सारे, ये मैं दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे सैलानी अभी भी आए हुए हैं रात के वक्त भी। दिन इस एरिया में थोड़ा सा चहल पहल थोड़ी कम है इस टाइम पे, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा हो गया है। ये करीब 7-8 बजे गंगा आरती के टाइम पे काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और काफ़ी चहल पहल है जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अभी चलिए चलते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं हम कुछ शानदार चीज़ें जो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें रहेंगी। ये जी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम अभी जा रहे हैं नीचे। भाई दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टीवी वाले भी आए हुए हैं। पहाड़ टीवी है जी, पहाड़ टीवी। ये जी ये अभी जी पहाड़ टीवी वाले आए हुए हैं, यहाँ के लोकल टीवी चैनल है। और अभी आप देख सकते हैं जी किस तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। खैर चलो ये कोई मसला है। अपन बात कर रहे थे जी, यहाँ पे इस टाइम आप लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग बहुत बढ़िया, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है लाइटिंग वगैरह की, ये तो काफ़ी साल से है। ये देखिए दोस्तों लाइटिंग चकाचक है, एकदम कलरफुल है, बहुत बढ़िया, हवा अच्छी चल रही है, टेम्परेचर बढ़िया है, अभी कूल टेम्परेचर एकदम, मतलब दिल खुश हो जाता है इस तरह के एनवायरनमेंट में आके। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, लोकल मंदिर हैं गंगा घाट पे, और हरिद्वार के हर की पौड़ी इसको बोलते हैं। मैं अगेन जूम करके पकड़ना भाई इसको, मैं एक बार अगेन जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी, पैड़ी पौड़ी एक ही चीज़ है भाई, ठीक है जी। ये जी नज़दीक का दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि समुंदर मंथन जब हुआ था और अमृत कलश जब निकला था, धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर निकले थे, समुंदर मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, तो देवताओं और असुरों की सीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदे यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में गिरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नान और स्नान का जो रिवाज चला है और अस्थियों को प्रवाहित करने का जो सिलसिला है वो तभी से चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इंसानों की मुक्ति हो जाती है, आत्मा तो वैसे खैर अजर अमर है, लेकिन जो शरीर है नश्वर शरीर, उसके मरने के बाद जो आत्मा है वो पुनः इस पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। तो हम इसलिए हम हरिद्वार में आते हैं हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए। ये आप देख सकते हैं जी गंगा जी का कितना अद्भुत यहाँ पे नज़ारा है। ये जी ये देखिए बहुत ही अच्छी अनुभूति महसूस हो रही है, बहुत बढ़िया। और इस तरह की वीडियो शायद आपने कभी देखी हो,
कभी किसी ने दिखाई हो पर्सनल किसी यूट्यूब चैनल पे, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल किस तरह का जल आ रहा है, क्योंकि थोड़ी पीछे पहाड़ों में बारिश हो रही है, बारिश के कारण मिट्टी घुल गई है, लेकिन जैसे ही आप इसको एक आध दो चार घंटे आप रखेंगे ना कैन में या किसी पात्र में भर के, तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाती है और बिल्कुल जल एकदम स्वच्छ जल निकलाता है। कुछ व्यक्ति यहाँ पे स्नान करते हुए, महिलाएं, ये जी महिलाएं, पुरुष काफ़ी हैं, आप देख पा रहे हैं काफ़ी महिलाएं पुरुष हैं यहाँ पे, और अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी स्नान करते हुए, और ये पंडित जी जो है ना अभी आरती दिखाते हुए, काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि गंगा का जो किनारा है यहाँ पे हर की पौड़ी पे बहुत ही अद्भुत शांति प्रदान करने वाला है। चलिए मैं कुछ आपको और दिखा देता हूँ, कुछ अभी और आगे चलेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बिरला, राजा बिरला टावर के नाम से ये एक टावर है, जो कि काफ़ी हाइट पे बन, काफ़ी हाइट लिए हुए है। कलर बहुत अच्छा है, डिजाइन पैटर्न बहुत अच्छा है, पुराने टाइप का है ये, और इसको रेनोवेशन किया गया था बिरला ट्रस्ट। बिरला ट्रस्ट द्वारा रिनोवेशन किया गया था, ये देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं दिखा देता हूँ जी थोड़ा सा आपको, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। और हमारे एक साथी जिधर गए जरा उनको ढूंढते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी एक और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, अद्भुत नज़ारा। ये भी हर की पैड़ी का ही कंटिन्यूशन में है, यहाँ थोड़ी ही ज़्यादा लाइटिंग है, और बाहर से जो भी सैलानी आते हैं यहाँ पे, श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, आप देख पाएंगे जी। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे महिलाएं, माताएं, बहनें और पुरुष, महिलाएं पुरुष यहाँ पे दोनों, और कुछ बच्चे स्नान करते हुए ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया नज़ारा है। क्योंकि जो कि शाम का वक्त है, और शाम के वक्त में नहाने से बिल्कुल आनंद, अति आनंद अनुभूति होती है। ये आप देख सकते हैं जी चारों तरफ बहुत बढ़िया, आइए इस अनुभूति का आनंद लेते हुए। ये आप देख सकते हैं जी करीब करीब 10 बज गए हैं, टाइम एक बार देख लेते हैं, 10 बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। और ये देखिए ये गंगा माँ का मंदिर भी इधर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरती तरीके से बनाया हुआ है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, हर की पैड़ी बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ दिन में बहुत ज़बरदस्त भीड़, सुबह होते ही भीड़ हो जाती है, भीड़ चालू हो जाएगी, ये आप देखिए, और एकदम अच्छे लाइटिंग वाइटिंग करके बढ़िया डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। जल की आप देख सकते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे एक बार आइए, गंगा स्नान का आनंद लीजिए, और अपने जितने भी, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मनुष्य ने पाप किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन सब से मुक्ति मिल जाती है। हाँ जी ऐसा ही है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी है जिंदगी में एक बार। और आज मेरे को एक बात पता चली कि गुरु ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये गुरु नानक जी ने वर्णन किया गया है, हर धर्म में पवित्र, हाँ हर धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि गंगा स्नान करना अति आवश्यक है, अगर स्नान करना है तो गंगा स्नान, ठीक है।
तो क्योंकि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, गंगा का जो जल है जी ये कभी भी खराब नहीं होता, चाहे आप इसको हजारों साल रख लो एज इट इज मिलेगा, ना कोई स्मेल होती, ना कभी काई जमती, ना कोई कीड़ा लगता है इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ना कोई टेस्ट में बदलाव रहेगा, ना कलर में बदलाव आता, ना स्मेल आती, बहुत बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और ये देखिए किस तरीके से उल्टा तैर रहा है, वो उल्टा पाँव वहाँ से वहाँ तक गया हो गया। ये देखिए जी किस तरीके से ये लोग आनंद लेते हुए, देखिए जी लोग ये तरह तरह के करतब दिखाते हैं यहाँ पे, जो जाबाज दिल के इंसान होते हैं, बड़े जिगर वाले होते हैं, वो गंगा में यहाँ पे तरह तरह के करतब दिखा के अपने आप को प्रूव करते हैं। अभी हम युवा अवस्था में हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से तैरते आ रहे हैं, इन बच्चों को डर भी नहीं लगता बिल्कुल भी। ये देखिए जी क्या बात है, एकदम कमांडो की तरह तैर रहे हैं लोग, बहुत आनंद है। मैंने भी आज दिन में इसी तरीके से आनंद लिया था। ये देखिए क्या है, ये जो युवावस्था जब होती है ना तो उसमें जोश रहता है और जोश एनर्जी और हर रिस्क को लेने की उनमें क्षमता होती है। जब भी एक संत ने कहा है कि लंगड़ा युवा अंधा और बूढ़ा लंगड़ा, ये दोनों जब एक हो जाए तो दुनिया पार हो जाती है, कारण कि बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता या लंगड़ा इस कारण होता है, और युवा अवस्था में बहुत जोश होता है लेकिन वो अंधेपन में चलते हैं और बूढ़े के अंदर एक्सपीरियंस होता है। तो अगर एक बूढ़े व्यक्ति को और वो अंधा जो युवा है अपने कंधे पे बैठा ले तो दुनिया की हर चीज़ को पार कर सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने। ये देखिए आप नज़ारा देखे, चले कुछ और नज़ारा और आगे बढ़ते हैं अभी जी। तुम्हें तो काफ़ी हो गया है, ये आप देखिए भीड़ भाड़ कलरफुल बहुत बढ़िया। और अभी हम गंगा जल लेंगे, ये बड़ी बड़ी कैनियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ कैनी भी लेनी भाई, दो कैनियाँ कुछ कैनी में हम लोग लेंगे। और यहाँ पे जी बहुत ही शानदार मॉर्निंग में लेंगे फिर, ठीक है कैन में, हाँ कैन तो मिल जाती है, सही। अच्छा क्या बात है, गौर भाई दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक के कैन वगैरह, तो चुप रहे भाई दोस्तों, आप देखते रहिए, क्या कुछ साधु भी घूम रहे हैं, महिलाएं, छोटे बच्चे, खेल खिलौने वाले, ये सब वीडियो मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ लाइव, आपको एकदम लाइव की अनुभूति मिले। ये देखिए किस तरह के खिलौने, भाई खिलौने दिखाओ भी बच्चों के, क्या क्या ले रहे हो, उड़ने वाला है जी, घुमाने वाला है जी। आजकल लाइटिंग का सिस्टम आ गया है, क्या बात है। और उड़ने वाला कौन सा है भाई, उड़ने वाला दिखाओ यार, कितनी हाइट पे जाएगा जरा देखें, हाइट पे तो बहुत जाएगा पर कम उड़ाएगा, चल चल थोड़ा सा उड़ा दे यार, थोड़ा सा उड़ा दे। ओह क्या बात है, तो यार तुम्हारे पास आए तो हैं, ये देखो हैं भैया, 1 करोड़ उड़े यार, ऐसे उड़ा जैसे उड़ा तुमने भी, ओह यार मैं भी उड़ा के देखूंगा, कितने का है भाई, उड़ाओ ये उड़ाओ उड़ाओ यार, बचपन उड़ा 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 ऊपर, अरे वाह, ये तो घूम के ही वापस आता है, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, वाह भाई वाह। चलिए दोस्तों अभी अलविदा, और दिखा देते हैं एक बार, एक दो मिनट और नजारा लेते हैं भाई, व्यूवर्स को आनंद आ रहा है बहुत। अच्छा चल अभी चलते हैं अभी भाई दोस्तों, ये देखिए ये हरकी पेड़ी, ये रात का जो नज़ारा है ना वो बहुत बढ़िया होता है, लाइटिंग अच्छी है जैसे कि आप देख रहे हैं, कलरफुल, ये देखिए कैमरे में बहुत अच्छा अपने को दिख रहे हैं,
बढ़िया शानदार कलर दिख रहे हैं। ये आप ये देखिए, तरह तरह की कैनियाँ यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। और हो क्या मस्त हवा है, अद्भुत आनंद हवा इधर की आ रही है। वाह भाई वाह, ये देखिए यहाँ पे, ये लो जी ये लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मस्त अमेजिंग माहौल, बहुत बढ़िया है। ये लो जी, ओहो क्या हवा चल रही है, बहुत बढ़िया शानदार सुपर हवा चल रही है, सुपर मस्त एकदम। आप सामने झंडे को हिलते हुए देख सकते हैं, अच्छी हवा चल रही है और आनंद अद्भुत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी, सामने से हवा आ रही है गंगा जी के ऊपर से, और मैं बिल्कुल ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ पे गंगा जी का जो पानी जो जल बह रहा है उसमें उसका जो शोर है वो आप शायद कैमरे में कैमरे के माध्यम से आप सुन पाएं। मेरे को बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद, एक अजीब सा मतलब एक बहुत ही शानदार बढ़िया अनुभव है हरिद्वार का। आप लोग हरिद्वार आइए, यहाँ पे आनंद लीजिए नहाने का। आज मैं करीब कम से कम दो घंटे से ज़्यादा आज मैं नहाया और बहुत एकदम शीतल जल गंगा मैया का। हमारी देखो जितनी भी नदी हैं सब, वैसे तो सारी पवित्र नदियाँ होती हैं, लेकिन सबसे अगर जो श्रेष्ठतम नदी है वो हमारी गंगा नदी है। ये कई मायनों में श्रेष्ठ है। इसकी जो कहानी है वो ये है कि राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी, कपिल मुनि ने उनको उनके पूर्वजों को श्राप दिया था एक, और ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति की डिमांड की और उन्होंने फिर कहा कि आप गंगा जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर गंगा धरती पे अवतरित होती हैं तो उनसे ही गंगा जल से ही आपके पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति गंगा जी का जो वेग है वो वेग को सहन नहीं कर सकता था। और ये भाई अभी छलांग लगाएंगे, जरा इसको भी जरा कवर करेंगे। ये देखिए ये छलांग लगा दी है भाई ने, अरे किधर गया भाई, ये देखिए यहाँ पे बड़ा लोग बहुत एकदम एडवेंचर भी करते हैं जो दिलेर हैं। ये देखिए वो वहाँ पहुँच गया भाई, ये लंबे लंबे कड़े लगे हुए हैं बेल और इन पे एडवेंचर करते हुए बहुत ही एकदम आनंद लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जी काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पे। अच्छा मैं कहानी की ये कह रहा था जी कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवता पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो गंगा जी के वेग को सहन कर सके, क्योंकि ये सीधे स्वर्गलोक से जो अब हमारा मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं पृथ्वी, उस पर अवतरित नीचे आए। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने सुझाया कि आप शिवजी को प्रसन्न कीजिए, शिवजी महाराज भोलेनाथ वही कुछ समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो भगीरथ जी ने पुनः तपस्या की भोलेनाथ शिव जी की, शंकर भगवान की, और उन्होंने तपस्या इतनी कठोर तपस्या की थी, बहुत ज़्यादा तपस्या। और ये शिव जी भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए, तो वरदान में भागीरथ जी ने बताया कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो पा रही है और आप गंगा जी को अपने मैं गंगा जी
आपको अवतरित कराना चाह रहा हूँ मृत्यु लोक पृथ्वी में, तो आप कुछ इसका समाधान बताइए। और देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने पहले ही भागीरथ जी को बता दिया था कि भोलेनाथ की जटाएं इतनी विशाल हैं कि अगर वो गंगा जी जैसे ही धरती पे अवतरित होती हैं तो वो उनकी जटाओं में समा जाएंगी। तो भोलेनाथ इस पे एग्री हो गए, मान गए कि हाँ ठीक है गंगा जी को मैं धारण कर लूँगा। और उसका एक ये भी कारण है कि गंगा जी का जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा शीतल है, और उससे कुछ समय पहले ही जो जहर हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान, वो हलाहल विष उन्होंने पिया था, और जिस कारण से उनके सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी और गर्मी को शांत भी करना था, तो उसका एकमात्र यही था कि गंगा जी को जटाओं में रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पे छोड़ दिया, और जैसे ही प्रवाहित हुई शिव जी की जटाओं में वो आगे थी, और इस तरीके से उन्होंने एक जट, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रचंड वेग में थी कि उन्होंने एक ही जटा अपनी खोली थी, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है, कि वो एक जटा से वो सीधा गंगोत्री धाम जहाँ से गंगा अवतरित हुई हैं वहाँ से वो निकली थी। और वो आज भी शिला, भागीरथ शिला आज भी मौजूद है, जिस शिला पे बैठ के भागीरथ जी ने तपस्या की थी। तो ये एक ये कहानी है। और फिर भागीरथ जी के साथ गंगा जी जैसे जैसे भागीरथ जी आगे बढ़ते गए, गंगा जी भी अपना रास्ता बनाती गई। तो क्योंकि गंगा जी ने कहा था कि आपके जो पूर्वज हैं वो कहाँ हैं मेरे को नहीं पता, तो इस तरीके से वो भागीरथ जी उनको रास्ता दिखाते चले गए पहाड़ों से के माध्यम से, और वो बिल्कुल एकदम लास्ट में जाके जहाँ पे गंगा सागर बोला जाता है, गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे जाके वो समाप्त होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है जी, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि भाई गंगा जी का अवतरण जो है वो जन कल्याण के लिए हुआ है। तो भागीरथ जी ने के पुण्य आग्रह पर, जब उनके पूर्वजों की मुक्ति हो गई थी, उनके पुण्य आग्रह पर उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे अवतरित यहीं रहिए और जन कल्याण कीजिए। तब से ये मानता है कि गंगा स्नान करना एक मनुष्य धर्म में अति आवश्यक हो गया है, स्पेशली हिंदू धर्म में काफ़ी मानता है कि भाई गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है। और ये देखिए अभी एक ही और युवा तैयार होते हुए, ये कैसे खड़े हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं। भाई काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो छलांग लगाते हैं। ये देखिए ये मेरे को लग रहा है यहाँ से ये भाई छलांग लगाएगा, सेल्फी खींच रहे हैं। ये देखिए कूद गया भाई। भाई दोस्तों आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, कुछ और दिखाऊंगा मैं आपको। ये आप देख सकते हैं जी, ब्रिज, और ब्रिज बनाया हुआ है। और ये जी यहाँ पे होटल वगैरह की भी सुविधा है, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं देख सकते हैं। ये भी 10 बजे का सीन है रात के, और काफ़ी लोग हैं अभी स्नान आदि कर रहे हैं काफ़ी लोग, बहुत ही बढ़िया। आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनी स्टोरी की वजह से, थोड़ी सी स्टोरी इसलिए सुनाई है कि ताकि जिन भाइयों को पता नहीं है जो दूर रहते हैं इस एरिया से नहीं है, ताकि वो जान सकें कि क्या मसला है, किस वजह से गंगा जी में स्नान करने का ये यहाँ पे हरिद्वार में लोग आते हैं दूर दूर से अपने पूर्वजों की या जिन अपने पूर्वजों की क्या आत्माओं की मुक्ति के लिए और स्वयं के पापों से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि एक हिंदू धर्म में कैसा है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बाकी कुछ
धर्मों में पुनर्जन्म का मैं विश्वास नहीं रखते। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने भी आदमी देखे ना, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सारे के सारे जो है ना अच्छे, मतलब बढ़िया अपना जो रोजगार करते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम है यहाँ पे। और अभी देखिए, और अभी देखिए, वो दोनों जो डर रहे हैं नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे बच्चे हैं अभी, बहुत शानदार यार, दिल का अच्छा अच्छा, उन दोनों को देख करके। ये देख, मुश्किल से उन दोनों को नीचे उतारा एक मिनट। यहाँ पे लगता काफी अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। भाई यहाँ पे ना देखो, इस तरह से छाल लगाने से कई बार क्या होता है, चोट भी लग सकती है, नीचे पत्थर कम है। हाँ, तो कभी सर के लग गई, हाथ के लग गई या घुटने छिल गए, तो क्यों रिस्क लेना, जितना हो सके सेफ रहिए, जरूरत हो तो रिस्क। ये देखिए, ये देखिए कैसे बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना वैसे ही नहाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इंजॉय ले रहे हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का। जब हाँ हाँ, अरे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई है, कोई बात नहीं, एक पार्ट इंटरव्यू नहीं अभी नहीं, अरे मजा आएगा, बच्चे करेंगे मस्त। अरे आपकी टॉप रैंकिंग की होगी, कोई नहीं भाई, चल रही अभी तो। भाई दोस्तों चलो, अभी वीडियो काफी लंबी बन गई है, एक और कोई और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस तरह से आपका प्यार मोहब्बत बना रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुँचे, और हर आदमी को, हर उस व्यक्ति को जिसने हरिद्वार नहीं देखा है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन चली जाए, और वो आनंद लें, आनंद लें, और गंगा मैया की आप स्नान करने आए यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता।